देखिए, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर ना एक्यूट पैंक्रियाट, इसमें अगर पूछा जाए हाइपर पैराथायरायडिज्म में, कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट भी रिपीट करते हैं। देखिए, जब भी बॉडी में जो कैल्शियम का इंक्रीज करता है ना, तो जो जीआईटी की मोटिलिटी है ना, वो डिक्रीज कर जाती है। जब जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो आपको पता है जो फूड है वो आगे पास नहीं करेगा, इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ये सिंपल सा इजी सा पॉइंट है इसका, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या होगी, जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज कर देगी, इस पेशेंट के अंदर फूड ज्यादा देर रिटेन रहेगा और कॉन्स्टिपेशन इस पेशेंट के अंदर हो जाएगी। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, और इस पेशेंट के अंदर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, इस पेशेंट के अंदर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कैसे हो सकता है, जब भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज किया, कैल्शियम का एक फंक्शन ये भी होता है कि इसने ना हमारे क्या करना होता है, इंजाइम की एक्टिवेशन करनी होती है ज्यादा से ज्यादा। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा, तो इंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होगी। जब इंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल हम स्पेसिफिकली बात करते हैं पेंक्रियाज की। अब पेंक्रियाज कौन कौन से इंजाइम को रिलीज करता है, लाइपेज, प्रोटीएज और अमाइलेज। ये तीन क्या करता है, इंजाइम रिलीज करता है, कौन, पेंक्रियाज। अब किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर गया। जब उस पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, तो ये इंजाइम को स्टिमुलेशन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। जब इस इंजाइम को स्टिमुलेशन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, पेंक्रियाज के ही रिलीज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये पेंक्रियाज के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पे क्या करवा देंगे, इंजाइम करवाएंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज पेंक्रियाटाइटिस, और किस वजह से हो रहा है, हमारा कैल्शियम की वजह से हो रहा है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। कैल्शियम का लेवल जब भी बॉडी में इंक्रीज करता है, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं, बॉडी में जब भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है, तो ये जाके क्या करता है, इंजाइम की एक्टिवेशन करवा देता है, ठीक है। स्पेसिफिकली किस इंजाइम को ये एक्टिवेट कर सकता है, तो आपने बताना है कि ये जो हमारे पेंक्रियाज के इंजाइम होते हैं, एक मैं आपको इधर रिपीट कर देता हूँ दोबारा, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये स्टमक था, ये जीआईटी था, यहाँ पे के क्या है, पेंक्रियाज पड़ा हुआ है, ठीक है। और पेंक्रियाज से क्या होते हैं, हमारे इंजाइम इधर रिलीज होते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, लाइपेज, अमाइलेज और प्रोटीएज, ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, इंजाइम होते हैं। अब किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या है, काफी ज्यादा इंक्रीज है, तो ये ज्यादा से ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे ये तीनों इंजाइम। जब ये तीनों इंजाइम ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये पेंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये पेंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो ये वहां पे क्या करवा देंगे, इन्फ्लामेशन करवा देंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। और हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बोलेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कैसे हो सकता है, तो आपने बताना है कि जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, वो जाके स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को, वहां से इंजाइम को रिलीज करवाएगा, लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, और अगर वो एक्सेस में रिलीज होगा, तो एक्सेस में स्टिमुलेट करेगा और वो वहीं पे एक्टिव हो जाएंगे पैंक्रियाज में, और उसकी इंफ्लामेशन करवा देंगे, दैट इज नोन एज पैंक्रियाटाइटिस। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको, पैंक्रियाटाइटिस वाला? अच्छा सर जी, इसमें ना एक पॉइंट है, समझ नहीं आता। मतलब जब इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब इसमें मैं कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट है? वो कहते ना कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, और वैसे एक होता है क्रोनिक और एक एक्यूट। एक एक्यूट और वैसे सिंपल में क्या फर्क होगा, मतलब देखें, एक्यूट और क्रॉनिक के सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है कि टाइम पीरियड का फर्क होगा, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है कि लेस देन 3 मंथ, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब ये होता है आफ्टर 3 मंथ इसको इश्यू हो रहा है, ठीक है। 3 महीने से ज्यादा टाइम गुजर गया उसको, ये सेम सिम्टम्स आ रहे हैं। एक्यूट और क्रॉनिक को हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर मैंने आपको कहा था कि रैंक, अब नॉर्मल जो हमने फिजियोलॉजी, ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा था कि ये रैंक नॉर्मल फिजियोलॉजी जब हमने पढ़ी थी, कि ये रैंक एल रिसेप्टर को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करता है,
ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और उधर से किसको रिलीज करवाता है, कैल्शियम को रिलीज करवाता है। मैंने आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी में यही बताया था ना। अब जब ये देखिए किसी के अंदर हाइपर पैराथायरायडिज्म हो गया, पैराथायरायड हार्मोन ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, तो रैंक एल रिसेप्टर ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट होंगे। जब रैंक एल रिसेप्टर ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कैल्शियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर देगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्राउन ट्यूमर हो जाएगा। अब ब्राउन ट्यूमर या इसका दूसरा नाम है ऑस्टियोइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, मतलब के एम्प्टी स्पेसिस बन जाएंगी किसके अंदर, बोन के अंदर, ठीक है, कैल्शियम रिलीज होने की वजह से। दिस इज नोन एज ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका बोलते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, ब्राउन ट्यूमर हो गया। दूसरा नाम इसका ब्राउन ट्यूमर है, इसके ऊपर लिख लें। समझ आ गई? बैक्टीरिया पैथोजन से एक्यूट किसी डिजीज से क्रॉनिक। अच्छा, अब देखिए, अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, क्या क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन करवानी है जिससे पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है या नहीं, लैब फाइंडिंग्स क्या क्या करवानी है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इसके अंदर क्या करना है, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल चेक करवाना है। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म का पेशेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, नंबर वन। दूसरा, इस पेशेंट के अंदर हमने क्या करवाना है, सीरम कैल्शियम का लेवल चेक करवाना है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल चेक करवाना है, तो डेफिनेटली इसके अंदर कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, पेप्टिक अल्सर भी इसके अंदर इस तरह होगा कि जो हमारे नॉर्मल जीआईटी के एंजाइम है ना, हार्मोन है, ये उसको ज्यादा से ज्यादा जाके क्या करवाएगा, स्टिमुलेट करेगा और एक्टिवेट करेगा। अब ऐसे कौन से हैं, ये जाके स्पेसिफिकली हमारे स्टमक में जी सेल को एक्टिवेट करेगा। जी सेल का फंक्शन ये होता है कि इसने जाके एचसीएल की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देना। जब जी सेल को स्टिमुलेट करेगा, एचसीएल की प्रोडक्शन करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, एसिड का लेवल इंक्रीज कर देगा और क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगी। फिर इसमें भी क्रोनिक पेग्रेडाइटिस होना चाहिए, जिस तरह ऊपर उसने बताया कि बैक्टीरिया में एक्यूट और डिजीज में क्रोनिक, नहीं स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है, देखिए मेरी बात सुने, एक्यूट और क्रोनिक को हमेशा हम टाइम पीरियड पे डिफरेंशिएट करते हैं। एक्यूट का मतलब ये होता है कि अभी इसको लेस देन 3 मंथ है, और क्रोनिक का मतलब ये होता है कि इसको ग्रेटर देन 3 मंथ, ज्यादा 3 महीने से ज्यादा टाइम गुजर गया। हमेशा एक्यूट और क्रोनिक को हम इसके मंथ्स पे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम पैराथायराइड हार्मोन को ट्रीट नहीं करते, हाइपर पैराथायराइडिज्म का ही पेशेंट है, उसको 3 महीने से ज्यादा हो गया, तो उसको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। समझ आ गई कि इसके अंदर क्रोनिक भी हो सकता है और ये एक्यूट कैसे हो सकता है, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर अभी किसी ने पूछा था कि इसके अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज कैसे हो सकती है, मैंने आपको बताया था कि ये एंजाइम की एक्टिवेशन ज्यादा से ज्यादा करवाएगा, जी सेल को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करवाएगा। जी सेल का फंक्शन क्या होता है, इसने एचसीएल को रेगुलेट करना होता है, एचसीएल का लेवल बॉडी में इंक्रीज करना होता है। जब भी एचसीएल एसिड का लेवल स्टमक में बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, स्टमक को डैमेज करेगा और क्या करवा देगा, अल्सर करवा देगा उस पेशेंट के अंदर। समझ आ गई इसके अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज कैसे हो सकती है। लैब्स फाइंडिंग की बात कर रहे थे, इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज करेगा, इसके अंदर कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज करेगा, इसके अंदर किसका लेवल डिक्रीज करेगा, वो है फॉस्फेट का लेवल। जब मैंने आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट का लेवल उसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से पैराथायराइड हार्मोन ने फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवानी होती है, ठीक है। ये वही पॉइंट इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसीलिए इस पेशेंट के अंदर फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज करेगा। यूरिनरी सीएएमपी, ठीक है, इसका लेवल भी इसके अंदर इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने याद रखना है कि इसके अंदर ना एएलपी का लेवल इंक्रीज होगा। अब एएलपी का लेवल इस पेशेंट के अंदर क्यों इंक्रीज होगा, जब भी किसी भी बोन की ब्रेकडाउन होती है ना, तो उसके अंदर जो एंजाइम होता है ना, वो होती है अल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम होता है, एएलपी। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रैंक एल रिसेप्टर ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं, कैल्शियम निकल रहा है, ऑस्टियोइटिस फाइब्रोसिस्टिका हो रही है, ब्राउन ट्यूमर बन रहे हैं, तो इसके अंदर जब बोन टूटती है तो एएलपी का लेवल इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए इसके अंदर क्या होगा, एएलपी का लेवल इंक्रीज होगा। यहां तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लें, नहीं तो इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। अब मैंने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है,
कि जो अब ये काम ज्यादा कर रहा ना ग्लैंड, तो हम इसको सर्जिकली रिमूव ही कर देंगे बस।